सो हे नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारे डिवाइस में MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो फाइनली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं 12.5 का जो अपडेट है वो काफ़ी सारे डिवाइस में आ चुका है। गाइस यहां पर इस अपडेट में आपको क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है, सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर गाइस आप भी इंटरेस्टेड है MIUI 12.5 को डाउनलोड करने के लिए, न्यू फीचर्स जानने के लिए, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो गाइस यहां पर आपको सारी बातें आपको आज की इस वीडियो में बताने तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे चैनल टेकर्स पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेकर्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहां पर आपको MIUI 12.5 रिलेटेड सभी न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको मालूम ही है कि MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो 28 दिसंबर को रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर अगर आपके पास जो भी डिवाइस है उसमें आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहेगा। गाइस यहाँ पर आप जिस इस अपडेट को इंस्टॉल करेंगे तो वेलकम टू MIUI 12.5 करके एक मैसेज आ जाएगा, जो कि गाइस काफ़ी बढ़िया आपको लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे न्यू फंक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पर पहली में बात करूँ जो नोटिफिकेशन साउंड है उसको गाइस यहाँ पर सेकंड टाइम रीन्यू किया गया है। गाइस यहाँ पर आप सभी लोग को मालूम था पहले गाइस कुछ न्यू आपको देखने को मिल जाता था, उसको गाइस यहाँ पर मॉडिफाई करके गाइस करीब 100 प्लस आपको न्यू साउंड इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको रेनफोर्स, इसके अलावा गाइस यहाँ पर सवाना, इसके अलावा गाइस ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा द आर्टिक, गाइस यहाँ पर 3 से 4 मोड आपको देखने को मिल जाते हैं। गाइस यहाँ पर 100 प्लस आपको जो नोटिफिकेशन की साउंड है वो देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर एक साथ आप गाइस 5 साउंड को रख सकते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर लायन हो गया, इसके अलावा गाइस यहाँ पर कोई बर्ड का हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लॉट्स ऑफ आपको साउंड इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। गाइस यहाँ पर मैंने आपको बताया जो रियलमी यू आई 2.0 का देखने को मिलता है, तो गाइस इसी तरह का आपको देख सकते हैं कुछ वीडियो भी हमारे सामने आया है। जैसे कि गाइस यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड को चेंज करना है तो उसको कुछ इस तरह के कर सकते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। तो गाइस यहाँ पर आपने देख लिया काफी बड़ी आपको लुक है वो देखने को मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप जो अपने नोटिफिकेशन है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस जो काफ़ी कमाल का यहाँ पर जो अपडेट है वो आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस इस तरह का अपडेट किसी भी कंपनी में अभी तक देखने को नहीं मिला है। गाइस पहला इंडियन डिवाइस है, मीन्स चाइनीज डिवाइस है, जिसमें MIUI 12.5 का अपडेट के साथ काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो अपडेट है वो तो मुझे काफ़ी पसंद आया है। इसके अलावा गाइस एक और अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस आपको रियलमी यू आई 2.0 का यहाँ पर लुक है वो दे देता है। गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के पास रियलमी का डिवाइस होगा तो उसमें कोई सेम यहाँ पर आपको फॉलोअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें से गाइस आप इजीली अपने सेटिंग में जाके अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर AOD सपोर्ट करता है तो AOD को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले है तो उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ से आप रिंगटोन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, अलार्म हो गया, अपना फॉन्ट हो गया, अपना थीम हो गया, अपना वॉलपेपर भी गाइस यहाँ पर एक ही सेटिंग में जाके सब कुछ गाइस चेंज कर सकते हैं। तो गाइस आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से जो थीम है वो वर्क कर जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बात करें और फंक्शन की, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और न्यू आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर 12.5 आया ही नहीं तो 12.5 का जो थीम है MIUI 11, MIUI 12 का वो भी आ चुका है। तो गाइस आने वाले कुछ दिन में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल गाइस यहाँ पर फीचर्स के वीडियो है वो देख लीजिएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन का आपको जो न्यू लुक है
वो देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर Redmi Note 8 Pro में कुछ यूजर्स ने कर लिया है कस्टम रोम की मदद से, तो गाइस यहाँ पर इस तरह का आपको लुक है वो देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर और काफ़ी सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाता है, चूँकि गाइस मैं उसको लेने बैठूंगा तो गाइस काफ़ी लंबा है वीडियो हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन किन डिवाइस में जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक चेंज लॉग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि जो अपडेट है वो पूरा सच है, पूरा रियल है, उसमें किसी भी तरह का बग से कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है वो करीब 4 GB के आसपास है, वो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 12.5 योर डिवाइस लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको सिस्टम में अपडेट देखने को मिल जाता है, सिस्टम एनिमेशन में देखने को मिल जाता है, सिस्टम साउंड में देखने को मिल जाता है, सिस्टम सुपर वॉलपेपर, प्राइवेसी प्रोटेक्शन। इसके अलावा गाइस यहाँ पर नोट का अपडेट देखने को मिल जाता है, MIUI प्लस न्यू अपडेट आया है उसमें देखने को मिल जाता है। गाइस फ्लोटिंग विंडो में है, Xiaomi हेल्थ में है, होम स्क्रीन में है, कास्टिंग में है, Xiaomi क्लाउड है, मी सर्विस है, IMEI में है, थीम में है, ब्राउजर में है, MI फैमिली में है और सर्च में है। गाइस काफ़ी सारा लंबा डिवाइस है उस लिस्ट में शामिल हो गया है, तो गाइस आप लोगों को डाउनलोड करना है, किससे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको गाइस आपको चेकआउट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपको करीब करीब 4 डिवाइस का रोम है वो देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आपको MIUI 12.5 चाइना बीटा का अपडेट है वो Redmi K30 यानी कि गाइस Poco X2, इसके अलावा Xiaomi 10 मीन्स MI 10, MI 10 Pro, MI CC 9 Pro, Redmi K20 और Redmi K30 4G, इन 4 से 5 डिवाइस में गाइस आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाता है। गाइस आप हमारी टेलीग्राम चैनल टेक्रस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कोई न्यू डिवाइस का लिस्ट हमारे सामने आता है, लिंक हमारे सामने आती है, तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आप में से कोई भी यूजर्स यहां पर ज्वाइन हो गए और डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजीली बिल्कुल फ्री में गाइस इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बट कंडीशन एक ही है कि आपका जो डिवाइस है वो बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए, कोई भी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए, फिर ही गाइस आप अपनी डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस अगर आपको पता नहीं है कस्टम रिकवरी को कैसे फ्लैश करना है तो YouTube पे भी गाइस आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से फ्लैश करना है, हमारे काफ़ी सारे भाइयों ने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कैसे बूट लोडर को अनलॉक करना है, कैसे कस्टम रिकवरी को फ्लैश करना है। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को पसंद आया होगा आज का इस वीडियो, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा आपको 12.5 का अपडेट है वो देखने को मिल गया है। तो गाइस यहाँ पर आपको कोई भी सुझाव है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। गाइस मैं आपको जैसा ही रिप्लाई आएगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस MIUI 12.5 रिलेटेड कोई भी न्यूज़ देखना है तो आप हमारी चैनल टेक्रस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का अपडेट है वो पसंद आएगा, तो प्लीज़ गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।